हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पार्ट ए में हम लोगों ने देखा था एडजॉर्प्शन, पार्ट बी में कैटलिस्ट और पार्ट सी में हम लोग बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की। बात समझ में आ रही है। तो आज से हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट सी पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन जो आसानी से आते हैं आसानी से आप कर लोगे। बस अगर आप एक बार वीडियो सही से देखे हो, सही से सुने हो, तो अपने आप अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। और सरफेस केमिस्ट्री के साथ साथ एमिन्स का भी वीडियो कल से अपलोड हो जाएगा, फिर बायो मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है। तो आज हम लोग देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। किसकी बात करेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे। समझो कहानी। थॉमस ग्राहम साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक पेपर होता है सेलोफेन पेपर, जो किसी भी पार्टिकल को आसानी से अपने से क्रॉस करा देता है, उसको क्या बोलते हैं? सेलोफेन पेपर। तो इन्होंने क्या किया, सेलोफेन पेपर से कुछ सोल्यूशन को क्रॉस कराया, ठीक है। तो जो सोल्यूशन इजिली क्रॉस कर गया सेलोफेन पेपर से, जो सोल्यूशन इजिली क्रॉस कर गया, उसको उन्होंने क्या बोला? क्रिस्टलोइड्स। तो क्रिस्टलोइड्स क्या होता है? क्रिस्टलोइड्स वह होता है जो सेलोफेन पेपर को आसानी से क्या करे, इजिली क्रॉस कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोइड्स, ठीक है। और दो सोल्यूशन विच नॉट, एकदम बेसिक शुरू कर रहा हूं, विच नॉट इजिली क्रॉस कॉल्ड कोलाइड्स। उसको उन्होंने क्या बोला? कोलाइड्स। मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो एक होता है क्रिस्टलोइड, एक होता है कोलाइड्स। तो क्रिस्टलोइड्स क्या होता है? मेम्ब्रेन को या पेपर को आसानी से क्रॉस कर लेता है, और जो क्रॉस नहीं कर पाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइड्स, ठीक है। समझो, जैसे हमने NaCl लिया, अब प्लस H2O लिया। ध्यान देना बेटा, हमने NaCl लिया और H2O लिया, तो जो यह सोल्यूशन बना, इस सोल्यूशन को जब हम इस पेपर से क्रॉस करा रहे हैं, तो यह सोल्यूशन इजिली इस पेपर को क्रॉस कर जा रहा है। तो मतलब इसको हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे? क्रिस्टलोइड्स। क्या कंसीडर करेंगे? क्रिस्टलोइड्स। मेरी बात समझ में आ रहा है। एक और चीज देखो, गम ले लो, इसको H2O मिलाओ, जो सोल्यूशन क्रॉस हो, जो सोल्यूशन बनेगा डज नॉट क्रॉस, उसको हम क्या बोलेंगे? कोलाइड्स। मेरी बात समझ में आ रहा है। और एग्जांपल से समझिए आप, NaCl को आपने लिया, इसको आपने मिलाया अल्कोहल में, तो जो सोल्यूशन बनेगा वह पेपर से क्रॉस नहीं कर पाएगा, तब इसको क्या बोलेंगे? कोलाइड्स। तो यहां पर देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कौन सा सोल्यूशन क्रिस्टलोइड्स होगा, कौन सा सोल्यूशन कोलाइड्स होगा, वह टोटली डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा सॉल्वेंट टेकन है। बोलो, इसी NaCl को जब हमने पानी में मिलाया, तो यह NaCl पानी में अच्छी तरह से घुलकर जो सोल्यूशन बनाया, और यह सोल्यूशन पेपर को इजिली क्रॉस कर जा रहा था, तो इसको हम यहां पर कंसिडर कर रहे थे एज अ क्रिस्टलोइड्स। और जब NaCl को हमने अल्कोहल में मिलाया, अल्कोहल इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नमक डिजॉल्व नहीं होगा, तो जब डिजॉल्व नहीं होगा तो पेपर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोलाइड्स। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कोलाइड्स इज ओनली स्टेट, It depends upon the nature of solvent.
समझो बात को बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या कहने का क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, क्या नेचर ऑफ द सॉल्वेंट की बात हो रही है, कि जब आपने NaCl को H2O मिलाया तो क्लोराइड नहीं कहला रहा है, क्या कहला रहा है, क्रिस्टलाइड कहला रहा है, क्यों, क्योंकि वो आसानी से पेपर से क्रॉस कर जा रहा है, बात समझो, और जब उसी NaCl को आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजॉल्व कर रहे हो तो वह पेपर को क्रॉस नहीं कर पा रहे, उसको आप क्या बोल रहे हो, कोलाइड्स बोल रहे हो। तो कहने का क्या मतलब है, कोलाइड्स इज द ओनली स्टेट, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का नेचर बदलता जाएगा तो कोलाइड क्रिस्टलाइड भी हो सकता है, क्रिस्टलाइड कोलाइड भी हो सकता है, इट ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको पॉज करके आप लिखते भी चलोगे, मिटा रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा ठीक है, अब ध्यान दो, अब सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज सॉल्यूशन आर थ्री टाइप्स, ठीक है, क्या क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, यह बोर्ड में पूछता है बेटा, अंतर पूछता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसके बाद होता है सस्पेंशन, ये सब जूनियर क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, सस्पेंशन सस्पेंशन। तो यहां पर सॉल्यूशन को पार्टिकल के साइज के आधार पर हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ठीक है। ये सॉल्वेंट है और छोटे छोटे सब पार्टिकल हैं, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होगा जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से क्या हो, कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर आओ, पार्टिकल साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर, समझ में आ रहा है, एक का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, और इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर, ठीक है, पहला अंतर समझ में आ रहा है, फर्स्ट बेसिक डिफरेंस। तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा, और कोलाइडल का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और इसका क्या होगा, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, ठीक है। अब आओ, यह क्या होगा, यह होमोजीनस होगा, होमोजीनस बनेगा, यह पार्टिकल अच्छी तरह से इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, पूरा होमोजीनस हो जाएगा, यह क्या होगा, हेट्रोजीनस होगा, यह भी क्या होगा, हेट्रोजीनस, ठीक है, यह भी क्या होगा, हेट्रोजीनस। सस्पेंशन का एग्जांपल समझ रहे हो, धूल और पानी, बालू और पानी, हेट्रोजीनस, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, अरे अंतर, दिस इज नॉट सीन बाय नेकेड आई और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप चाहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें चाहे नेकेड आई से देखें, इनका पार्टिकल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि होमोजेनियसली क्या हो चुका है, मिल चुका है, ठीक है। यहाँ देखो, इट इज नॉट
सीन बाय नेकेड आई बट सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अभी तो दिखाई देगा, इट इज सीन बाय नेकेड आई, ठीक है। तो तीन अंतर हुआ, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में, ठीक है। अब बढ़ा जाए, कपड़ा कहाँ गया, जल्दी छापो, बढ़े फिगर मिटा रहे, दो तीन अंतरों बता रहे। ठीक है, अब देखो, एक दो तीन छो गया, चौथ ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिख रहा हूं। इट्स पार्टिकल इज नॉट सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठेगा। इट्स पार्टिकल इज नॉट सेटल डाउन, नीचे नहीं बैठेगा। इट्स पार्टिकल इज नॉट सेटल डाउन, वो अभी नीचे नहीं बैठेगा। इज नॉट सेटल डाउन, ठीक है। बालू पानी को मिला दो, कुछ देर बाद बालू नीचे बैठ जाएगा। इट्स पार्टिकल इज सेटल डाउन, समझ में आ रहा, चौथा अंतर हुआ, ठीक है। पांचवा देखो बेटा, इट इज क्रॉस परसमेंट मेम्ब्रेन, इट इज क्रॉस परचमेंट मेम्ब्रेन एंड फिल्टर पेपर बोथ। इट क्रॉस परचमेंट मेम्ब्रेन बट नॉट फिल्टर पेपर, ये पांचवा अंतर हुआ, ठीक है। बहुत से अंतर है, ठीक है, बहुत आसान है। और यह न पर्चमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, न फिल्टर पेपर को क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। अगला देखो, इट सो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। आगे बताऊंगा क्या होता है। इट आल्सो सो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। बहुत से अंतर है, इट आल्सो टो सो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। पांच अंतर, एक और लिखवा दें, छह हो जाए, छापते रहना सब, बोर्ड में आता है, कंपटीशन में तो नहीं आएगा, ये सब बवाली चैप्टर है। अगला देखो, इट डज नॉट सो ब्राउनियन मोशन, ई का होता है सर, आगे आएगा सर, ठीक है, घबराइएगा मत, साइंटिस्ट लोग परेशान होंगे, का मास्टरवा पढ़ा रहा है, मास्टरवा जो सर नाम लिया है सब बताएगा का होता है, ठीक है। इट सो ब्राउनियन मोशन, ठीक है, इट डज नॉट सो, ये नहीं सो करेगा, यह सो करेगा कोलाइडल, अरे अभी क्या करेंगे सो। तो ये आपका ट्रू सोल्यूशन हुआ, कोलाइडल सोल्यूशन हुआ और सस्पेंशन हुआ, ठीक है, पार्टिकल के साइज के आधार पर। आओ आगे बढ़ जाए, अब ध्यान दो, तीन चार वीडियो रह गए, अभी खत्म हो जाएगा। जब हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, ट्रू सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो दो चीज होता है, एक सल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। बोलो इसका अमाउंट क्या होता है, अमाउंट लेस अमाउंट होता है, इसका अमाउंट क्या होता है, मोर अमाउंट होता है, ठीक है, यही ना होता है। सॉल्यूशन में जो मोर अमाउंट में हो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में हो उसको क्या बोलते हैं, सल्यूट। जैसे मान लो शुगर हो गया और पानी हो गया और दोनों को मिला दिया, सोल्यूशन बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं। बोलो ये ना होगा,
ठीक है, यहां पर देखो इसी को कंसीडर करिए कोलाइडल सॉल्यूशन में, यही हमको पढ़ना है, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब कोलाइडल सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, यहां हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेज, और यहां पर बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, मेरी बात समझो। जैसे हम यहां पर सॉल्यूट बोल रहे थे, कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्स्ड फेज, मतलब लेस अमाउंट, मतलब क्या होगा? लेस अमाउंट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो लेस अमाउंट में उपस्थित हो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोला जाता है? डिस्पर्स्ड फेज। और जो मोर अमाउंट में होता है लाइक सॉल्वेंट, जो मोर अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। बात समझ में आ रहा है? तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन कुल 8 प्रकार के होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन आर 8 टाइप्स, मेरी बात समझो। ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी में सॉलिड डिस्पर्स फेज हो गया, सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम हो गया, ठीक है, लिक्विड सॉलिड हो गया, एक चीज और, डिस्पर्स फेज सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, डिस्पर्स फेज सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस। ठीक है, तो सॉलिड सॉलिड कंबाइन हो सकता है, सॉलिड लिक्विड कंबाइन हो सकता है, सॉलिड गैस कंबाइन हो सकता है। ठीक है, उसी तरह लिक्विड सॉलिड कंबाइन हो सकता है, लिक्विड लिक्विड कंबाइन हो सकता है, लिक्विड गैस कंबाइन हो सकता है, लेकिन कभी भी गैस डिस्पर्स फेज हो और गैस ही डिस्पर्सन मीडियम हो, यह कोलाइडल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मतलब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो गया, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो गया, डिस्पर्स फेज लिक्विड हो गया, डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो गया, कभी भी गैस और गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई गैस का गैस के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब गैस डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्सन मीडियम भी गैस हो, जब दोनों को मिलाएंगे तो ये हमेशा क्या बनेगा? होमोजीनस बनेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? और कोलाइडल हमेशा क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है। ये क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूँ कि गैस और गैस मतलब इनके आधार पर कुल 8 प्रकार का होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको सॉल बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं, सॉलिड सॉल बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं, कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी डिटेल है वो सब। यहाँ पर गैस और गैस का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम पॉसिबल नहीं है, मतलब गैस और गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैस और गैस को जब हम मिलाते हैं तो होमोजीनस ही बनता है, और जबकि कोलाइडल क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? डिस्पर्स फेज क्या होता है? जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, और इनके आधार पर कुल कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। ठीक है, एक एक लाइन का एक एक लाइन का है, सॉल्व क्या होगा, एरोसॉल, उसके एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद कोलाइडल क्लासिफिकेशन करेंगे कई प्रकार से, लायोफिलिक सॉल, लायोफोबिक सॉल, मल्टीलेयर, माइक्रोमालिक्यूल, एग्रीगेट सॉल, कई प्रकार से, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है। अब केवल सुनना है कहानी की तरह, अपने आप तुम लोग लिख लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।